वॉक थ्रू करेंगे तो देखेंगे। नमस्कार, आप इस चीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, और पटना के उस जगह की बात करेंगे जिस जगह पर जाने के बाद लोग पसीना पसीना हो जाते हैं, जिस जगह पर जाने के बाद लोग ये सोचते हैं कि अरे यार यहां से निकल कैसे जाए। समझ गए होंगे, राजधानी पटना जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, और पटना जंक्शन के आसपास से जब भी आप गुजरेंगे आपको लगेगा कि ये जंक्शन नहीं है बल्कि कोई सब्जी का बाजार है। वहां पर इतने ऑटो वाले लगे रहते हैं, इतने ऑटो स्टैंड की वजह से या ऑटो चालकों की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों के आवागमन को लेकर के ऐसी स्थिति बनी रहती है कि लोगों का दम घुटने लगता है। गर्मी के मौसम में तो लोग मतलब उधर से जाना एक चुनौती समझते हैं और सोचते हैं कि अगर वहां से पार होकर के चले आए जल्दी जल्दी में वो भी, तो समझिए जंग जीत कर आए। अब खबर इसलिए बताना जरूरी हो गया क्योंकि वहां की व्यवस्था बदलने वाली है। राजधानी पटना जंक्शन के पास की जो व्यवस्था है वो बदलने वाली है, और इसके अलावा पिक और ड्रॉप करने के लिए भी नया नियम यानी कि नई व्यवस्था शुरू होने वाली है। अब खबर क्या है वो भी जान लीजिए। खबर ये है कि पटना ऑटो स्टैंड की जगह में बदलाव होने जा रहा है, इसे मल्टी मॉडल हब के पास शिफ्ट करने का प्लान है। साथ ही मल्टी स्टोरी पार्किंग को नए सिरे से संचालित होने की बात भी कही जा रही है। देखिए, इसके अलावा बात करें तो बुद्ध मार्ग को जोड़ने वाली मल्टी लेवल पार्किंग वाले रोड का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। स्टेशन के करीब 10 जगहों पर आधुनिक टॉयलेट और यूरिनल बनेगा। पटना ऑटो स्टैंड को शिफ्ट करने के बाद लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलने वाली है। कहा तो ऐसा ही जा रहा है, बाकी भविष्य के गर्भ में छुपा है कि क्या होगा। जंक्शन के पास जाम की एक बड़ी परेशानी है, इससे अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। चौक के दोनों ही ओर चिरैया टार से लेकर जीपीओ गोलंबर तक के विकास के लिए नई व्यवस्था का प्लान तैयार हुआ है, और इस इलाके में लोगों को बड़े पैमाने पर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसी कारण शासन स्तर पर फैसला लिया गया है और बताया जा रहा है कि यहां बड़ी बसों के परिचालन पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब जितनी भी बड़ी बसें हैं आपको अब पटना जंक्शन के आसपास से गुजरते हुए नहीं दिखेंगी, वहां रोक लगने वाली है। इसके साथ ही ऑटो स्टैंड भी शिफ्ट होने वाला है। तो यह भी जान लीजिए कि पटना जंक्शन के आसपास के इलाके में अतिक्रमण को हटाने के काम को जल्द शुरू किया गया है। अतिक्रमण की पहचान करने के बाद इसे हटाया जा रहा है, तो दोबारा कब्जा नहीं हो इसके लिए फ्लाईओवर के नीचे कैंप का निर्माण किया जा रहा है। इसके जरिए पुलिस बल के साथ ही नगर निगम की टीम अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करेगी। स्टेशन को आधुनिक तौर पर जोड़ने के मकसद से सबवे भी बन रहा है। महावीर मंदिर से बगल में सबवे के एंट्री के साथ ही एग्जिट के पास बढ़िया और एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाएगा। तो अब पटना जंक्शन पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पहल की जा रही है, और पटना ऑटो स्टैंड को शिफ्ट करने की भी बात कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि जब पटना ऑटो स्टैंड शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखिए, ऑटो स्टैंड एक बड़ी समस्या है, वहां पर ऑटो चालकों की अपनी परेशानी है। वो बार बार रोते हैं, कहते हैं कि कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा लोकेशन तो सरकार बता दे ताकि हम यहाँ से शिफ्ट भी हो जाएं तो हमारा काम चल सके। लेकिन फिलहाल ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब वहाँ का कायाकल्प होने जा रहा है, पर समस्या ये है कि वहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। देखिए, हम भी कभी कभी गुजरते हैं उधर से तो देखते हैं बीच बीच में जो कट लगा दिया गया है, ऑटो आता है और बीच में ही आप अगर जा रहे हैं सड़क से तो बीच से ही आपको ऑटो पार करता हुआ दिखाई देगा, और एक ऑटो नहीं लंबी कतारें होती हैं। स्टेशन से निकलते हुए ऑटो जब पार करता है तो उस कट के सामने से होकर के गुजरता है, और जहां पर पीछे से आ रहे लोग खड़े रहते हैं, और ये समय जो है कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट से आधा घंटा भी हो जाता है। वहां भगदड़ की स्थिति मची रहती है, वहां मेले जैसी स्थिति बनी रहती है। लोग अगर गर्मी में आप जा रहे हैं तो परेशान रहते हैं, पसीना पोंछ के उधर से आना पड़ेगा। तो अब ऐसे में राजधानी पटना जंक्शन का कायाकल्प होने जा रहा है, वहां के आसपास की जो स्थिति है उसे बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है, और पिक और ड्रॉप करने का सिलसिला भी जो आप देखे होंगे, अक्सर लोग जब पिक और ड्रॉप करने जाते हैं तो परेशान होकर लौटते हैं या देर हो जाती है, ट्रेनें छूट जाती हैं, तो इस समस्या का निजात भी अब मिलने वाला है। बने रहे नेक्स्ट चीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।